तो थंबनेल, ये वाला नहीं, ये वाला थंबनेल। अब ऐसा हजारों थंबनेल्स देखने के बाद आखिर में वही स्पेसिफिक थंबनेल पे क्लिक करते हो जो कि तुम्हें अच्छा लगता है, ना कि किसी और थंबनेल पे। क्यों? क्योंकि वहां पे सिर्फ एक ही इंडिविजुअल था जो कि सिर्फ एक थंबनेल पे कंटेंट का 80% इन्फॉर्मेशन इंक्लूडेड था। अब 80% है क्यों? क्योंकि किसी भी वीडियो को देखने के लिए थंबनेल पे इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अब ऑडियंस तुम्हारा वीडियो देखे तो देखे क्यों, जहाँ थंबनेल डिसाइड करता है आगे वीडियो में क्या होगा और क्या होने वाला है। अब इतना सारा थिंकिंग, इतना सारा थॉट सब प्रोसेस होता है सिर्फ उस मिलीसेकंड्स के अंदर जब तुम यूट्यूब पे कर रहे हो तो स्क्रॉलिंग, और तभी वो स्पेसिफिक वीडियो मिल जाता है जिसका तुम्हें तलाश था। और जस्ट इन लुकिंग ऑन द थंबनेल एंड द टाइटल, यू जस्ट लुकिंग ऑन द थंबनेल, द इंफॉर्मेशन ऑन द थंबनेल। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। अब इन दोनों थंबनेल्स में से तुम कौन सा वाला क्लिक करोगे? फॉर द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ कोर्स तुम ये वाला क्लिक करोगे, राइट? अब क्लिक तो तुम उस वाले पे भी कर सकते थे, बट किया क्यों नहीं? जस्ट बिकॉज वो अच्छा दिख रहा था इसलिए? ना, द यूज ऑफ एलिमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन ऑन द थंबनेल एक थंबनेल को क्रिएटिव बनाता है, उसका डिजाइन जहाँ पे एलिमेंट्स भी शामिल होता है। अब क्रिएटिव क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा क्रिएटिव उतना ज्यादा अट्रैक्शन व्यूअर्स का। अब देखो, थंबनेल्स का इंस्पिरेशन तुम कहीं से भी ले सकते हो, डिपेंड करता है तुम कैसा थंबनेल बना रहे हो, विथ मोर क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स। क्योंकि मुझे पर्सनली क्लीन बैकग्राउंड और मिनिमम क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स पसंद है। व्हाट इफ अगर टाइटल है हाउ डू आई शूट माई सेल्फ, तो इसके लिए थंबनेल कैसा बनाया जाए? अब देखो, दो चार फोटोज क्लिक कर लो खुद का थंबनेल के लिए। तो अब अपने फोटोज को लेके जाओ remove.bg पे, जहाँ तुम्हें अपने बैकग्राउंड से अलग कर दिया जाता है, और सीधा तुम खुद को ड्रॉप कर देना canva.com पे। और ड्रॉप करने के बाद अच्छा सा एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल मैं तो ये व्हाइट वाला ही रखने वाला हूँ, अदरवाइज तुम दूसरा भी ले सकते हो। सो लेट्स पुट सम एलिमेंट्स। अब देखो, एलिमेंट्स के लिए तुम फिजिकल एलिमेंट्स भी यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस बुक और ए माइक, जिसे मैंने फोटोज क्लिक करने का टाइम पे ही मैंने उस बुक और माइक को पकड़ के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया था। अदरवाइज तुम PNG फाइल यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। तो एलिमेंट्स को पुट करने के बाद इट्स टाइम टू टाइप समथिंग इन द थंबनेल। अब जैसे इसका टाइटल है हाउ डू आई शूट myself, तो टाइटल से सिमिलर कुछ यूनिक वर्ड रखना पड़ेगा, राइट? तो इसमें मैं लिखने वाला हूँ सोलो फिल्मिंग। क्यों? क्योंकि टाइटल है हाउ डू आई शूट myself, तो सोलो फिल्मिंग इज द बेटर ऑप्शन फॉर द थंबनेल। अभी याद है ना मैंने क्या बोला था? क्योंकि किसी भी वीडियो को देखने के लिए थंबनेल पे इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। अच्छा, तो एलिमेंट्स को डालने के बाद हमारा फाइनल आउटपुट आता है ये, जो कि थोड़ा सा ऑर्डिनरी लग रहा है, तो इसे लेके जाते हैं So after spending few hours, we got this. This is just because of your creativity and knowledge. लेकिन creative thumbnail बना के video में unimaginative content मत डाल देना. Just try to make a better content, just like your thumbnails. Bye. And listen, editing related अगर कोई सा भी question है तो comment कर सकते हो for the future content.